इन लोग को देखो, मैंने अविनाश को बोला कि आप रीवा को गोद में उठा के बैठो, मैं बेडशीट चेंज कर दूं। जैसे मैंने गोद में उठाया तो ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ आके मैं बैठ गया तो ये भी इधर बैठ गया, और ऐसे चिपक के बैठा है कि मतलब कुछ भी करो तो देख भी रहा है कि कुछ भी सही से हो रहा है कि नहीं। रीवा कौन बैठ गया आके आपके बगल में? अभी मैं थोड़ी देर पहले कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि अविनाश थे नहीं घर में, मैं अकेली थी। रीवा इसको इतनी आवाज लगा रही थी इतनी, और ये बगल में बैठा हुआ पर उसको देख ही जा रहा है और वो जवाब नहीं दे रहा है। वो क्या जवाब देगा बेचारा? तो और तेज चिल्ला रही है उसके ऊपर, रो रही है कि मेरे से बात नहीं कर रहा है। खैर पहले तो ये रोती थी जब ये भोंक देता था, अब शायद इसको हैबिट हो गई इस आवाज की, तो ये भोंकता भी है तो हंसने लगती है। नींद में होती है तो डर जाती है अचानक से, तब रोती है, पर वैसे नहीं रोती। मैक्सू, ये पापा आपके हैं दोनों बाबू? हो ये तो बोलना भी भारी पड़ जाएगा इसके ऊपर, अभी आ जाएगा किस कस करने के लिए, है ना? आपको क्या हंसी आ रही है बोलो, आपको बड़ी हंसी आ रही है, आई नी स्माइल दे रही है। हाँ अभी तो तुझे पता नहीं चल रहा, बड़े होके कहेगी पापा सिर्फ मुझे प्यार करो, मैक्सो को नहीं करो, है ना? ऐसे ही बोलेगी ना, ऐसे ही बोलेगी। हाँ मैक्सो को तो मारेगी, तुझे मारेगी मैक्स बाबू तुझे मारेगी फिर। हाँ अविनाश के हाथ में पनीर है, और इसको देखो ये सिर्फ पनीर के लालच में बैठा हुआ है। इतनी गर्मी हो रही है फिर भी इसको बैठना है क्योंकि इसको पनीर खाना है। ड्रूलिंग कर रहा है, देखो उधर गए, वहां चला गया उनके पीछे पीछे। देख लो जहां जहां अविनाश जाएंगे वहां वहां पे मैक्स चेला चूला ना है, ये पनीर के चक्कर में है। पनीर चाहिए? बोलो देख लो, सुबह तक इसके दर्द था पीछे। हाँ इसके पैरों में थोड़ा दर्द तो है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि दर्द है कहाँ पे। इसके पैरों में दर्द तो है लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि दर्द है कहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके पैर को टच वच करके चारों तरफ देख लिया है कहीं पे, क्योंकि डॉग से सब ऐसा होता है कि अगर दर्द है अगर आप उसको छूओगे ना तो फिर वो दांत निकालेगा आप पे, मतलब आपको बुलाएगा, छूने नहीं देगा। लेकिन ये तो सब छूने दे रहा है इसको, ऐसे कहीं पे दर्द नहीं है। लेकिन गाड़ी के सीट पे चढ़ना या फिर यहाँ पे चढ़ना, इन सब चीज़ों में बेड पे चढ़ने में इसको दिक्कत आ रही है। लेट्स सी कि क्या करना है क्या नहीं, वैसे देखिए कहीं पर दिक्कत तो नहीं लग रही है। अभी ठीक लग रहा है ये मुझे ना, नहीं तो पहले उठने बैठने में भी इसको दिक्कत हो रही थी। मैं ये कह रही थी कि हम इसके लिए शूज ले आए, एक पैर इसके चार हैं, एक शूज से क्या होगा? मतलब जो पूरा सेट आता है वो इन लोगों का नहीं, शूज अच्छा नहीं होता है डॉग्स के लिए। मैंने देखा था सोसाइटी में ना एक बंदे को, वो घुमा रहा था अपने डॉग को जूस पिला के। किसका डॉग? बस इन दोनों को प्यारा है, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ उन्हें सुनाई दे रहा है। सीन ऐसा है कि जो शूज होता है ना छीन ले तो क्यूट कितना लग रहा है, फेस पे इसके रिंकल्स इतने पड़ रहे हैं ना ऐसे करने में। मैं थोड़ा सा आवाज लगाया तो रुक गया, अगर दूसरा डॉग होता तो रुकता नहीं, किले ठीक है। तो जो शूज होता है डॉग्स के लिए वो अच्छा नहीं होता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डॉग्स को शूज पहनाए हुए हैं, और इंस्टाग्राम या फेसबुक अगर आप खोलोगे तो बहुत सारी कंपनीज है जो शूज बेचती है डॉग्स के लिए। तो लोग जो है वो शूज़ खरीदते हैं पहनाने के लिए, देर आर टू रीजन्स बेसिकली। जो ऑनलाइन पेजेस हैं वो जो शूज़ बेचते हैं वो दो रीज़न से बेचते हैं। एक कि मैक्सिमम लोगों का जो घर है वो काफ़ी स्लिपरी होता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो शूज़ बेचते हैं ये दिखा के कि आप उसको घर में पहना के रखोगे तो स्लिप नहीं होगा टाइल्स के ऊपर मार्बल के ऊपर। दूसरा ये है कि जस्ट शौकिया तौर पर पहनाते हैं सुंदर लगने के लिए, और वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि आप इनको पहनाओगे तो डॉग सुंदर लगेगा, प्लस इसके पैर गंदे नहीं होंगे, इसके जो पॉज होते हैं ना ये पॉज गंदे नहीं होंगे। तो
मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो शूज़ है ये बेसिकली यूजलेस होता है, डॉग्स के लिए होता नहीं है, बिकॉज डॉग्स आर एनिमल्स एंड उनका जो पैर होता है, यहाँ पे आप देखोगे पॉज में पैड्स होते हैं, तो दीज पैड्स हैव सम सेंसेस ऑल्सो, और उनको वो सेंसेस यूज़ करने पड़ते हैं डेली, तो वो अपने पॉज को पानी में डालेंगे, कीचड़ में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो उनको अच्छा लगता है। इसलिए जब हम डॉग्स को बाहर वॉक कराते हैं तो उनके पॉज जो है वो फील करने चाहिए ग्राउंड को यार। इनको मिट्टी विट्टी खोदने की आदत होती है, पानी में गीला होने की आदत होती है, कीचड़ में पैर डालने की आदत होती है, ये सब इनके लिए नेचुरल चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों से डॉग्स को दूर नहीं कर सकते। हाँ, एक रीज़न ये है कि आप शूज़ घर के अंदर पहना सकते हो, अगर आप खिला रहे हो, दौड़ा रहे हो टाइल्स या किसी भी स्लिपरी सर्फेस पे, तो वो क्या होता है कि उनको स्लिप होने से बचाता है, तो इन दैट केस आप बस थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आई सी द शूज़ टू बी कम्प्लीटली यूजलेस। और तो बहुत सारे लोग तो शौकिया तौर पे पहनाते हैं जस्ट बिकॉज उनका डॉग सुंदर लगेगा, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जो डॉग है ना वो अपने नेचुरल लुक में ही सुंदर लगता है, ये जो पॉज है ये सुंदर लगते हैं, इनको शूज़ पहनाओगे कपड़े पहनाओगे तो सुंदर नहीं लगेंगे, इनको उससे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। ये जो पॉज है ये ज़मीन पर फील होता है इनको, तब इनको अच्छे से चलने में आसानी होती है, प्लस बैलेंस बढ़िया बना पाते हैं। अगर आप शूज़ इनको पहनाओगे तो ये अच्छे से चल नहीं पाते ही नहीं चली, बिकॉज दैट इज़ नॉट नॉर्मल टू देम, दैट इज़ नॉट नेचुरल टू देम। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉग ऐसे ही सुंदर लगता है। नैनी भी कई बार बोलती है कि हम इसके लिए ड्रेसेस खरीदेंगे, शूज़ खरीदेंगे, बट नहीं, ड्रेसेस भी नहीं, शूज़ भी नहीं, इनको बस बहुत है एक छोटा सा बोल पहना दो यार, ऐसे ही इतना सुंदर, इतना हैंडसम है, और हर एक डॉग ब्रीड अपने लेवल पर काफ़ी हैंडसम होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल का। और स्पेशली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अपने डॉग्स को पहनाते हैं शूज़ जस्ट बिकॉज उनके पॉज गंदे ना हो जाए। भाई आपने पाला है डॉग, ठीक है, अब उसके वजह से अगर आपका फर्श थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा सफाई कर लो। उसको बचाने के लिए आप उस बेचारे को शूज़ पहना रहे हो जो वो पहनने के लिए नहीं बना है, जो पहनने के लिए आदि नहीं है। ये चाहिए पनीर, वो शूज़ पहनने के लिए वो बंदा आदि नहीं है, इन लोग के लिए भगवान ने शूज़ थोड़ी ना बनाए हैं, हमने बना दिए ज़बरदस्ती के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रख सकते हो प्लीज़ रखो, और उनको शूज़ वूज़ पहनाना बंद करो। शूज़ पहनाना है तो घर के अंदर थोड़ी देर के लिए पहना लिया, अदरवाइज़ आप उनको नेचुरल इंस्टिंक्ट में रहने दो, उनके पैर को नॉर्मली ज़मीन को फील करने दो, मिट्टी को फील करने दो, पानी को फील करने दो, इनको मिट्टी खोदने का मौका दो, इनको फील्ड ले जाओ, बाहर ले जाओ, क्योंकि मिट्टी विट्टी इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनसे बचाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए आप उसमें शूज़ मत पहनाओ। अगर आपको लगता है कि गंदगी हो रही है, बाहर से जब जैसे घर के अंदर आता है ना तो एक क्लीनर आता है जिसके अंदर पानी होगा, आप उसके अंदर पॉज डाल के क्लीन कर दो और उसके घर के अंदर आने दो। प्लीज़ गाइज, डॉग्स के साथ ऐसा मत करो, उनको शूज़ मत पहनाओ, कपड़े मत उतने मत पहनाओ, थोड़े बहुत आप शौक के हिसाब से पहना सकते हो, मतलब उनको इंसान मत बनाओ, ठीक है। इंसान बहुत घटिया होता है, डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, नेचुरल फॉर्म में डॉग सबसे सुंदर लगता है, डॉग है तो हैंडसम लगेगा और अगर बिच है तो ब्यूटीफुल लगेगी अपने नेचुरल लुक में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो इनको शूज़ वूज़ ये सब इंसान बनाने की कोशिश मत करो। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द डॉग ओनर्स। आज के लिए इतना ही ज्ञान, अब डॉग से रिलेटेड अगला ज्ञान आपको मिलेगा अगले वीडियो में, ठीक है। गुड बॉय, हम इसको कुछ भी नहीं पहनाते, कोई शूज़ नहीं, कोई कपड़े नहीं। कितनी बार नैनी ने बोला है बर्थडे के दिन कपड़े भी मंगा लो इसके लिए, चलो भाई गर्मी का टाइम है, एसी चला रखा है ठीक है, लेकिन फिर भी इतना भी ठंडा नहीं कर रहा है एसी कि हम इसको कपड़े पहना के बिठा सकते, बेचारे को गर्मी लगेगी। विंटर्स में हम जैकेट पहना देते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है, फॉर लाइक 10-15 डेज जो आपका जनवरी का टाइम होता है जो बहुत फॉग होता है उस टाइम पे पहना देते हैं, अदरवाइज नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विंटर्स में जैकेट की इसलिए भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके बॉडी में ऑलरेडी देखो जैकेट है, ये देखो ये इनका जैकेट है, फर है। कुछ डॉग्स पे डबल कोट होता है, ट्रिपल कोट होता है, उनके तो बहुत ज़्यादा फर होता है, वो भाई साहब 1 डिग्री -1, -5 डिग्री तक आराम से बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। तो जैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ठंडी में जैकेट पहना रहे हो तो लाइक जो जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है 2-3 डिग्री आप उस टाइम पर पहनाओ वॉकआउट कराते टाइम, अदरवाइज घर में आप बिना जैकेट के भी रख सकते हो। एंड बहुत लोगों को मैंने देखा है फेब्रवरी एंड तक, मार्च के स्टार्टिंग तक जैकेट पहनाते हैं, भाई उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैक्स आज के लिए इतना ज्ञान, ठीक है, एक बार शेक हैंड करो, हाई फाइव, मेरा अच्छा बाबू है।